Vivo T2X versus iPhone 14। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज और वीडियोज मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। गाइज एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप प्राइस के हिसाब से मत देखो, आज हम इसका मेगापिक्सल जो कंपैरिजन करने वाले हैं, यू नो आईफोन के अंदर ओनली फॉर आपको 12 मेगापिक्सल के सभी कैमरास देखने को मिल जाता है, यू नो देखते हैं किसका कैमरा क्वालिटी बेटर है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों ये हमारे पास Vivo T2X और iPhone 14। तो गाइस बात करते हैं पे Vivo T2X की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं पे iPhone 14 की, तो यहाँ पे भी आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 12 मेगापिक्सल का प्लस 12 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं पे दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Vivo T2X के अंदर एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं पे आईफोन 14 की, तो यहाँ पे आपको एक 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे ही इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस सभी फीचर्स को यूज करते हुए इसे मैंने काफी सारे फोटोज और वीडियोज क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी iPhone 14 और इसी Vivo T2X 5G के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक फ़ोन से आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी जो अपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे हो मैंने इसी iPhone 14 और इसी Vivo T2X के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली Vivo T2X का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। यू नो, हमने जो सेल्फी कैमरे से फोटोज क्लिक किए थे वो भी मुझे काफी अच्छे लगे Vivo T2X के। ऑल ओवर देखा जाए तो कैमरे के मामले में मुझे पर्सनली Vivo
T2X अच्छा लगा। हाँ एक बात है आईफोन के अंदर कि आप रियर कैमरे से आउटडोर वीडियो शूट करते हो तो बहुत ही अच्छी वीडियोग्राफी आप जो कर सकते हो आईफोन से, बट हर किसी को जो इतना भी वीडियो, मतलब आप समझ रहे हो ना कि हर टाइम ऐसा ही वीडियोस जो शूट नहीं करना होता है, और कोई कोई लोग जो इस प्राइस रेंज में इस स्मार्टफोन को जो बाय कर सकते हैं उसका वीडियोग्राफी भी बहुत ही अच्छी है, बट 4K तक जो वीवो T2X रिकॉर्ड नहीं कर सकता वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे पर्सनली आईफोन का सेल्फी कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, या तो आईफोन से ली हुई एक भी फ़ोटो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो गाइस वीवो T2X का कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, यू नो आईफोन के मुकाबले। आईफोन का मैं यहाँ पे कुछ भी तारीफ़ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसका मुझे बहुत ही ख़राब रहा मेरा एक्सपीरियंस जो आईफोन के साथ, यानी कि सेल्फी कैमरा तो बकवास लगा मुझे आईफोन का, और आपने देखा ही होगा वीडियो के अंदर भी। तो गाइस आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो अभी गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।